तो दोस्तों देश में एक और हर बात पर प्रोटेस्ट होते जा रहे हैं। फासिज्म आ चुका है, हिटलर कोई बन चुका है, देश में गैस चैम्बर्स लग चुके हैं और एटलीस्ट ट्विटर पे तो लग ही चुके हैं, और मुसलमानों को खतरे में बताया जा चुका है, साथ ही साथ इस्लामोफोबिया बढ़ चुका है, देश विदेश की पत्रिकाएं भारत पर थू थू कर रही है और अरबी महारानियां तक भारत को इस्लामोफोबिक डिक्लेयर कर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर बिना शोर के कुछ ऐसी पॉलिसीज अनाउंस होती हैं जिससे भारत की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। भारत कल को गूगल को टक्कर देने लायक बन सकता है, ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो सर्वे ऑफ इंडिया, मैप माई इंडिया और इसरो के कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिस पर आपको गर्व हो सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। कुछ कारण रहे कि भारत का जो विशाल डोमेस्टिक मार्केट है उसका लाभ आईटी इंडस्ट्री को नहीं मिल पाया। इस वजह से भारत में डिजिटल डिवाइड बढ़ता गया। एक तरह से हम कहते हैं और हम कह सकते हैं दिया तले अंधेरा वाली बात हमारे सामने थी। तो दोस्तों साल 2019 में एक अनाउंसमेंट होती है अक्टूबर के महीने में जिसमें कहा जाता है स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रत्येक गांव को जो कि 6 लाख से भी ऊपर है उनको मैप किया जाएगा सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इस मैपिंग में सर्वे ऑफ इंडिया क्या करेगा, हर एक गांव में कुछ ड्रोन्स लेकर जाएगा और हर एक गांव की मैपिंग करेगा। उसके बाद 2021 में आज से 3-4 दिन पहले एक दूसरी अनाउंसमेंट होती है और उसमें भारत कहता है कि जियोस्पेशियल डेटा जो है उसको डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। अब ये दोनों ही अनाउंसमेंट गेम चेंजिंग हो सकती हैं, पर कैसे, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आज के भारत के गांवों की सच्चाई ये है कि अधिकांश गांवों में जो घर है ना उनके पास एड्रेस है ना उनके पास पेपर है। अजी पेपर छोड़िए, घरों को छोड़िए, जो खेत है वो किसके हैं ये इस बात से डिसाइड होता है जो पटवारी बोल दे या फिर जो लठ बोल दे। अगर पटवारी में ही लठ बोल दे तो जो लठ बोल दे वही बोल दे। अब इन गांवों के घरों में पेपर नहीं, खेतों में पेपर नहीं, तो ओनरशिप किसकी ये पता नहीं। अब ओनरशिप देने के लिए इस स्वामित्व स्कीम को किया जा रहा है, जिससे क्या किया जाएगा कि मैपिंग होगी और मैपिंग के बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसकी जो जमीन है वो इतनी है, इसका जो घर है वो इतना है और सबके पेपर लीगल तौर से दिए जाएंगे, रजिस्टर्ड किए जाएंगे। दोस्तों आज से 200 साल पहले भारत के अंदर मैपिंग की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, जॉर्ज एवरेस्ट नाम के आदमी के द्वारा। उसने 30-40 साल लगाकर यह मैपिंग की थी और उसके बाद भारत की सरकार ने 1950 में एक मैपिंग को पब्लिक किया और जिसके आधार पर भारत में कौन सा खेत किसका, कौन सा घर किसका वो डिसाइड किया जाता है। अब वो जो मैपिंग है वो इतनी तगड़ी है कि हर दूसरे घर में गाँवों में इसी बात पर कलेश चल रहा होता है कि भाई ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी, ये बाउंड्री तेरी, वो बाउंड्री मेरी, इतनी बढ़िया मैपिंग हुई हुई है। वहीं दूसरी ओर ई-कॉमर्स कंपनीज को एक अलग ही प्रकार की परेशानी हो रही है क्योंकि गूगल जो है वो इकलौती ऐसी कंपनी है जो मैपिंग प्रोवाइड कर रही है। अब ई-कॉमर्स कंपनी बेचारी इस मोनोपोली में दबी हुई है और भयंकर रूप से पैसा लुटा रही है गूगल को, और गूगल की मैपिंग इतनी तगड़ी है कि वो गाँवों में जब जाता है तो खुद ही खो जाता है, हम लोग बता रहे होते हैं अरे गूगल इधर जाना है। और शायद इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वो डिलीवरीज गांवों के अंदर नहीं देती हैं। अब दोनों ही प्लान्स यानी कि स्वामित्व स्कीम और जियो स्पेशल डेटा को डीरेगुलेट करना, इन दोनों ही स्कीम्स के फायदे जानते हैं। स्वामित्व स्कीम के अंडर ड्रोन्स के द्वारा मैपिंग की जाएगी, ये मैपिंग 1:500 के रेशो में की जाएगी जो कि अभी तक 1:50,000 के रेशो में की जाती रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैप के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर होगा वो जमीनी रूप पे 500 सेंटीमीटर के बराबर होगा अभी, जो कि अभी तक 50,000 सेंटीमीटर के बराबर था। अब इससे जैसा कि मैंने आपको बताया कि घरों को लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, खेतों को लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, ओनरशिप दी जाएगी, जिससे इन घरों के ऊपर, खेतों के ऊपर लोन लेना आसान हो जाएगा,
इनको बेचना आसान हो जाएगा, खरीद फरोख्त आसान हो जाएगी, जिससे भारत इवेंचुअली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बहुत लंबी छलांग लगा सकता है। अगर 2020 की बात करें तो भारत 63rd प्लेस पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो कि 2014 में 142nd प्लेस पर था। एक लंबी छलांग ऑलरेडी भारत ने लगाई है, लेकिन इसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर एक पैरामीटर होता है रजिस्टर करना प्रॉपर्टी को, और उस पैरामीटर के अंदर भारत 154th प्लेस पर है। जैसे ही ये प्रॉपर्टी के पेपर मिलने शुरू हो जाएंगे, मैपिंग हो जाएगी, तो ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला ये पैरामीटर है, इस पर भी भारत एक बहुत लंबी छलांग लगाएगा और इवेंचुअली भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी सुधरेगी। मैकेंजी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने ये कहा है कि भारत जीडीपी का 1.3% जो कि होता है 34.45 बिलियन US डॉलर्स, इतना हर साल लूज कर देता है, केवल और केवल इस वजह से क्योंकि लैंड मार्केट डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो जी ये हो गए स्वामित्व स्कीम के कुछ बड़े फायदे। अब चलते हैं जियो स्पेशल डेटा को डीरेगुलेट करने से क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। तो जी भारत की एक कंपनी मैप माई इंडिया और भारत की एक दूसरी जॉइंट इसरो, दोनों ने आपस में करार किया, और तीसरी ओर भारत की सरकार ने मैपिंग को डीरेगुलेट कर दिया। अब इस डीरेगुलेशन की वजह से इसरो और मैप माई इंडिया एक ऐसी एप्लीकेशन के साथ आ सकते हैं मार्केट में जो गूगल मैप को टक्कर दे और गूगल मैप से बहुत बढ़िया हो। अब इसरो ऊपर से बताएगा कि भारत ऊपर से कैसा लगता है, लैंडस्लाइड की रिपोर्ट हो या फिर वेदर की रिपोर्ट हो, उसे मैप माई इंडिया को देगा और उसके बाद मैप माई इंडिया उसे मैप्स में एनकलकेट करेगा। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि रास्ते में अगर पेड़ भी गिरा हुआ मिला तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपको बताएगी कि रास्ते में पेड़ है, आप यहां से डिटॉर कर सकते हो, वहां से ऐसे जा सकते हो। अभी का गूगल मैप तो हम सभी को पता है, सामने नाला होता है, कहता है बाइक लेके कूद जाओ, दूसरी साइड आपकी डेस्टिनेशन है। गूगल मैप शहरों में बढ़िया चलता है, गांवों में जाके खुद खो जाता है। इसी के साथ साथ वेदर, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल आउटपुट, लैंडस्लाइड, इन सभी की मैप बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। कभी फ्लड आती है, ड्रॉट आता है, तो ऐसे केसेस में राहत कार्य को बहुत सुचारू ढंग से किया जा सकेगा। अब देखना यह है कि आत्मनिर्भर भारत के इस इरादे को कितनी बुलंदी मिलती है, कौन सी ऐप इसरो और मैप माई इंडिया निकालते हैं जो गूगल को टक्कर दे, और कितनी बड़ी टक्कर दे। मैप माई इंडिया के सीईओ को अंदाजा है कि 20-30 मिलियन डाउनलोड्स वो आते के साथ ही कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी लोगों को तक भारत की ये पॉजिटिव न्यूज़ भी पहुँचाइए। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं vocalfactory.com से, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।